Good morning, dear student. Welcome to EVS class. Today we will start a new topic, the peninsular plateau. Most of the peninsular India is a plateau or tableland. A plateau is an area of high level land. यहाँ plateau का मतलब है ये काफ़ी high होते हैं land से और ऊपर से flat होते हैं. Tableland का मतलब ये यहाँ पर है, जैसे ज़मीन से ऊंचा है टेबल होता है हमेशा और ऊपर से वो काफ़ी फ्लैट होता है, ऐसे ही आपका प्लेटू होता है. द पेनिनसुला प्लेटू लाई टू द साउथ ऑफ द नदर्न प्लेन. ये आपका कहाँ पाया जाता है? साउथ ऑफ द नदर्न प्लेन में. टू इट्स नॉर्थ वेस्ट लाई द अराइवल रेंज. यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट में अराइवल रेंज पाई जाती है. The Vindhya and Satpura mountain ranges divided the plateau into two region. जो Vindhya है और Satpura ये एक mountain range है जो divide करते हैं plateau को दो region में. To their north lie the central highland. North में central highland पाया जाता है और south में Deccan plateau. The central highland are covered with forest of teak, sal and sandalwood. एंड बैम्बो. जो सेंट्रल हाईलैंड है वहाँ पे ज़्यादातर फॉरेस्ट पाए जाते हैं टीक के, सैल के, सैंडलवुड के और बैम्बू के. दे आर रिच इन कोल एंड मेटल्स लाइक आयरन. वहाँ पे कोल और मेटल जैसे आयरन हुआ वहाँ पे पाई जाती हैं. अ नंबर ऑफ रिवर फ्लो थ्रू दीज हाईलैंड. यहाँ से काफ़ी रिवर फ्लो होती हैं. The Deccan Plateau has hill on its eastern and western boundaries. जो Deccan Plateau है, hill यहाँ का मतलब पहाड़ है. यहाँ पे जो hills होती हैं वो eastern और western boundaries में पाई जाती हैं. The eastern hills are called the eastern घाट. जो eastern hill को हम लोग बोलते हैं eastern घाट और western hill को हम बोलते हैं western घाट. The land is rocky and uneven. जो यहाँ के land वो काफ़ी पथरीली है. The soil is black in some place. यहाँ पे इस जगह की जो मिट्टी है वो काफ़ी काली पाई जाती है. This soil is very good for the cultivation of cotton. यहाँ पे जो cotton है उसका काफ़ी उपजाव हो सकता है इस मिट्टी में. The main river of this region are the महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. यहाँ पे ये सारी रिवर फ्लो होती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. अब पढ़ेंगे लाइफ ऑफ द पीपल. इन सम पार्ट ऑफ द प्लेटू देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. यहाँ पे पानी की काफ़ी कमी पाई जाती है इस एरिया में. द सॉइल इज़ रॉकी एंड इनफर्टाइल. यहाँ के जो सॉइल है काफ़ी पत्थर रहते हैं, फर्टाइल भी कहीं कहीं नहीं होते हैं कुछ कुछ एरिया पे. बट लाइफ इन द प्लेटू इज़ ईजियर देन द लाइफ इन द डेजर्ट और माउंटेन रीजन. अगर बात की जाए लाइफ वहाँ के लोगों की तो ये काफ़ी ईजियर है कंपेयर करें डेजर्ट और माउंटेन रीजन से. द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हियर. यहाँ पे सबसे बड़ा जो ऑक्यूपेशन है लोगों का वो है कॉटन. Deposit of coal and metal have led to the growth of mining and industries. जो यहाँ पे coal है और metals पाए जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी growth होती है mining और industries की. Many dam have been built to provide water. यहाँ पे कई dam built हुए हैं जो पानी की facility provide कर रहे हैं लोगों को और उससे काफ़ी power generate होता है. तो ये agriculture में भी पानी जाता है, साथ ही साथ industries में भी. The coastal plain along the western and eastern coast of our country lie a strip of fertile plain. यहाँ पे western और eastern coast में आपका fertile plain पाए जाते हैं. The eastern coastal plain is broader than the western coastal plain. जो आपका eastern coastal plain है वो काफ़ी border है compare करें तो western coastal plain में. इट इज़ ऑल्सो मोर फर्टाइल. और ये काफ़ी फर्टाइल है क्योंकि यहाँ पे जो रिवर है फ्लो होती हैं और स्लो हो करके सारा डिपॉजिट करती हैं एलुवियम. एलुवियम मतलब द सॉइल डिपॉजिट ओवर प्लेन बाय रिवर, वी कॉल्ड इट एज एलुवियम. अब पढ़ेंगे वहाँ के लाइफ ऑफ द पीपल. पीपल ऑफ द कोस्टल एरिया लिव बाई ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फिशिंग.
वहाँ के जो लोग हैं वो ग्रो करते हैं क्रॉप और फिशिंग से उनका गुजारा होता है। देर आर मैनी पोर्ट्स अलॉन्ग द कोस्ट, कंडला, सूरत, मुंबई एंड कोची आर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, ये आरे आपके वेस्टर्न कोस्ट हैं। चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड प्रदीप आर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ये सारे आपके ईस्टर्न कोस्ट में पाए जाते हैं। दीज पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये जो दो पोर्ट हैं ये काफ़ी सेंटर हैं ट्रेड के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, और ये काफ़ी प्रोवाइड करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी को, लोगों को रोजगार के लिए। ऑल दीज रीजन मेक द कोस्टल प्लेन डेंसली पॉपुलेटेड, यही सब वजह है कि यहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन पाई जाती है। द आइलैंड, टू लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। आइलैंड मीन्स अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर वी कॉल्ड हैज आइलैंड, और आपके दो आइलैंड हैं यहाँ पे, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप आपका अरेबियन सी में है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड, ये एक 572 आइलैंड का ग्रुप है यहाँ पे। दे आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड आर कॉल्ड द एमलैंड इस, ये कैसे कवर्ड है फॉरेस्ट से, ठीक है, इनको हम एमलैंड इस बोलते हैं। पीपल लिव बाय फिशिंग फार्मिंग, और यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, फिश और फार्मिंग, मेकिंग वुडन फर्नीचर एंड हैंडीक्राफ्ट। देर आर सम ट्राइब हु स्टिल इन द फॉरेस्ट, कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी फॉरेस्ट में रहते हैं एंड डू नॉट हैव मच टू डू विथ अदर पीपल, और ज़्यादातर अदर पीपल से उनका उतना कनेक्शन नहीं है। बिफोर वी बिकम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होने से पहले जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते थे वे सेंट टू दिस आइलैंड, यहाँ पे उन्हें भेजा जाता था ये आइलैंड में एज अ पनिशमेंट। द सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर वेयर सम ऑफ देम वेर इम्प्रिजन्ड, यहाँ पे उनको जेल में भी रखते थे एज अ पनिशमेंट, जो आज नेशनल मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप इस अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड, ये किसका ग्रुप है, 36 आइलैंड का, यहाँ पे सिर्फ 11 ऑफ देम हैव पीपल, द पीपल हियर लिव बाय ग्रोइंग कोकोनट, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, ग्रो करते हैं कोकोनट, मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ कोर एंड फिशिंग, कोर का मतलब इज द फाइबर, एक तरीके का ये फाइबर है, मेड फ्रॉम द हस्क ऑफ कोकोनट, जो कि हस्क ऑफ कोकोनट से बनता है।